दांत लग गए लगे नाखून मत बुनी दोस्तों, यही दिक्कत है, देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर ऋषिराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं अपने बहन जो कि आज देख सकते हैं जो हुआ, सब लोग देखें, आज इनके लिए मैं गोरखपुर के धरती से चल के बस आज इसलिए आया, आप लोगों से गुहार लगाने के लिए आया दोस्तों। हालांकि बहन का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, समय ये बोलने के कगार पे नहीं है। सुबह हम लोग माता जी से मिले, दो दो बार माता जी बेहोश हो गए, उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती माता जी को चाय पिलाएं, क्योंकि ना जाने कितने दिन से माता जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया था जल कुछ भी, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती माता जी को किया है, फिर हम लोग चले गए, क्योंकि दांत लग गए लगे नाखून मत बुनी दोस्तों, यही दिक्कत है, देख सकते हैं। कोई भी हो, यदि आज स्वर्गीय छोटू भैया जी जो हैं कुछ भी हैं, आज जो अगर किसी माँ का लाल जो गुजर जाता है और इस तरह है तो होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस इंसाफ मिलना चाहिए बहन को, क्योंकि बिहार सरकार जिस तरह लापरवाही कर रही है। लेके जाए भैया जी, जिला जाइए, लेकिन कुछ नहीं है। दीदी दीदी जी दीदी जी नहीं देखियो, पर नहीं छे जो भाग दे दीदी ले जाइए। अरे चीन के बाद आवे आराम की जरूरत है, ठीक है, बहुत देख लिए, बहुत हो गया हम लोगों के लिए। भाई लोग, अब हम कहें क्या, देखिए कुछ भी हो, आज हम गोरखपुर से गोरखपुर के धरती से चल के बस बहन का चेहरा देखने के लिए आए थे। हालांकि कुछ मीडिया वाले भाई लोग अनाप शनाप कई प्रकार की अभद्र चीज़ें उड़ा रहे थे, इसके पहले बोले थे कि मतलब शादी वगैरह होने के लिए ऐसा झूठे ही फोटो लगा दिए कि आप फिर से करेगी आरती शादी, बताइए, जिसका सुहाग बसते बसते उड़ जाए, जिसका सुहाग बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो जाए, जिस माँ का लाल आज इस दुनिया में नहीं है, क्या उन लोगों के घर में खुशी आ सकता है? अब सोच सकते हैं दोस्तों, तो बस यही कहना चाहता हूँ, यदि कोई भी शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश बिहार पुलिस, यदि भैया बस इंसाफ दिलाइए, नहीं तो आज एक आरती छोटू के साथ नहीं, अब अगर आज नहीं इंसाफ मिलेगा तो हर रोज़ ऐसे लोगों के साथ होता रहेगा, हर रोज़ एक बेटा मरता रहेगा, एक बेटी हर तरह इस तरह पागल होती रहेगी। आप खुद देखिए जिस तरह माँ है, दो बार हम लोग ज़बरदस्ती माँ को अभी चाय पिलाएं, हम लोग आए थे पूरा बैठा के समझाए, दो घंटा पूरा मीडिया वाले घेर लिए थे, हम लोग खुद मना किए उस चीज़ को, क्योंकि हम खुद बोले कि वहाँ से भैया बोलिए क्या बात है क्या नहीं है, दीदी जी चाय लाई, मम्मी को पिलाएं, उसके बाद भी मतलब बहुत से लोग परेशान कर रहे थे। बस यही कहना चाहते मीडिया वाले भाई लोग, जो भी हो, जिस तरह आप लोगों ने गलत न्यूज फैलाया, अभद्र व्यवहार उड़ाए, भैया मत करिए, किसी के परिवार के साथ खेलना, आप खुद से पूछिए कि यदि ऐसा होता है ये अच्छा है, तो आप खुद एक बार सोचिए कि आपके भी परिवार में ऐसा हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार है, यदि मीडिया को काम करना है तो ढंग से करिए और इंसाफ दिलाइए, ये नहीं कि आज माइक लेके आए, कल बुलाया जाए तो क्या भैया कुछ नहीं, अभी कहीं आरती दीदी को लेके जाना पड़े तो कोई लोग साथ नहीं देने वाले, वे पुलिसकर्मी आएंगे तो जितने भी मीडिया वाले कोई भी है बाहर से आए हैं, साथ नहीं देने वाले हैं, सिर्फ फोटो दिखा देंगे कि नहीं ऐसा ये हो रहा है ऐसा ये हो रहा है। अभी सुबह सुबह माता जी से ऐसा सवाल पूछा गया कि माँ खुद परेशान हो गई इस चीज़ को लेके, मतलब तुरंत बेहोश पड़ गए, और इसी चीज़ को लेके मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ कि जिस तरह मीडिया वाले भाई सिर्फ कुछ व्यू के कारण, अपने चैनल को बढ़ाने के कारण आरती बहन को और छोटू भैया जी को जिस तरह बदनाम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब भाभी ने नहीं बुलाया था, वो यहाँ गए थे वहाँ गए थे, अब खुद से आप सोचिए कि जिस भाई का
जिस माँ का बेटा उजड़ जाए, जिस भाई का भाई चला जाए, उसके ऊपर क्या बीतता होगा। और मैं बिहार पुलिस से भी गुहार लगाता हूँ कि आप लोग काम करिए, क्योंकि यदि आज आप लोग इंसाफ नहीं दिलाएं तो हर रोज ऐसे छोटू और आरती की मृत्यु होती रहेगी, ऐसे सब लोग परेशान होते रहेंगे। हमारी माताएं बहने, हम जैसे जो कि अगर प्रेम करने वाले कुछ भी हो, हम भी एक तरफ से प्रेम विवाह ही किए हैं, लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंसाफ दिलाइए इस माँ को और उस बहन को दिलाइए जिसका सुहाग बसते बसते उजड़ गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि घर वालों को फंसाया जा रहा है, बहुत ऐसे मीडिया वाले भैया लोग कह रहे थे कि घर वालों को फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी बताइए कोई अपने परिवार को क्यों फंसाया गया यदि जब तक उनके साथ ही मतलब दुर्व्यवहार से भी ज़्यादा गलत न किया गया हो। और बस मैं किसी से सवाल नहीं पूछने आया था, बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया था, क्योंकि दोस्तों आज उस माँ पर क्या बीत रही है, उस भाई पर, उस पिता पर क्या बीत रही है, और यहाँ पर सिर्फ कुछ चंद व्यू के कारण ये जिनको कभी माइक पकड़ने नहीं आता था आज माइक लेकर खड़े हो रहे हैं, सिर्फ ये छोटू जी की और आरती जी की बात को सिर्फ कि अगर बोल देंगी तो हमारा चैनल चला जाएगा, क्योंकि आज उनको पूरा देश देख रहा है। लेकिन इंसाफ दिलाइए, यदि दम है तो सिर्फ यहाँ नहीं उनके साथ चलिए और लड़िए, इंसाफ दिलाइए। जिस तरह यहाँ पर निर्भया हत्याकांड में, निर्भया रेप केस में 7 साल के बाद उन दरिंदों को फांसी हुई थी, उस तरह आप लोग यदि एक्टिव होते हैं तो आज एक आरती बहन का सुहाग उजड़ा है, दूसरे आरती बहन का नहीं सुहाग उजड़ेगा, और एक माँ का लाल छीना है, दूसरे माँ का लाल नहीं छीनेगा। दोस्तों बस मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिहार की जनता, बिहार के पुलिसकर्मी, बिहार के जो भी हैं, यदि यूपी से भी कुछ हो सकता है तो आप लोग जरूर करिए। और मैं अपने गोरखपुर के सीएम योगी जी को टैग कर रहा हूँ कि यदि ऐसा कुछ होता तो आप जरूर सपोर्ट करें माता का, उन बहन का। बस